नमस्कार, मैं अनामिका। बिहार की 25 खबरों में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी की। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार में कुल 34,540 सीटों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने बताया कि अब उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति डीओ द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी। राजद नेता तेजस्वी और मनोज झा ने पूछा, बिहार की मंदी अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 32 सूत्रीय राहत पैकेज की घोषणा की और 10 छोटे बैंकों के विलय की पहल से कर्ज देने की क्षमता, लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के भी उपाय किए हैं, लेकिन इनके बाद भी बिहार की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी सिस्टम क्या इकोनॉमी बना रही है? सचिवालय के टाइम टेबल में किए जाएंगे बदलाव। पटना में बढ़ते ट्रैफिक सिस्टम के दबाव को कम करने के लिए अब सचिवालय की समय सारणी में बदलाव कर इसके 8:30 बजे किए जाने की पहल की जा रही है, जिस पर सरकार की मुहर लग चुकी है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में भेजने पर इसका पूरा निर्णय हो जाएगा। बिहार में अब लग सकता है स्मार्ट मीटर। बिहार के दो शहर अरवल और कांटी में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का ट्रायल सफल रहा। दोनों शहरों में मीटर के सफल ट्रायल के बाद अब राज्य के सभी जिलों के ग्राहकों को स्मार्ट बिजली मीटर दिया जा सकता है। अब 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों के लिए सीबीएसई ने बनाए नियम। अब सीबीएसई बोर्ड तय करेगा कि जिन छात्रों की सामान्य से 75% स्कूलों में उपस्थिति नहीं रहने पर परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। इसके लिए छात्रों को एक मौका दिया जाएगा, जिसके लिए छात्रों को सीधे बोर्ड को आवेदन करना होगा। ये आवेदन 1 से 7 जनवरी 2020 तक किए जाएंगे। राजधानी पटना में 1 दिवसीय ऑटो रिक्शा हड़ताल से लोग हुए परेशान। पटना जिला मजदूर यूनियन संघ एवं ऑटो रिक्शा चालक संघ की बैठक में चुन्नू सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को राजधानी में ऑटो का परमिट रद्द होने और बड़ी संख्या में वाहनों के कागजातों के जब्त करने को लेकर किए गए हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीएम नीतीश ने कहा, न तो हम किसी को फंसाते और न ही बचाते। नीतीश कुमार ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित बैठक में कहा कि सभी कारोबारी अपने व्यवसाय पर ध्यान दें, बाकी सब हम टाइट किए हुए हैं। कानून व्यवस्था और अपने तमाम योजनाओं को लेकर नीतीश ने सभी कारोबारियों से कहा कि हम न तो किसी को फंसाते और न ही बचाते हैं, बल्कि कानून अपना काम करती है। ठीक है तो है, नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता ने जताई आपत्ति। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर ने कहा कि इस ठेठ बिहारी के नारे का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब नीतीश के अलावा कोई चारा नहीं है? जब वे अच्छा ही काम कर रहे हैं, फिर ऐसा नारा लिखने की क्या जरूरत है? पटना मेट्रो के कंसल्टेंसी फीस में दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने की कटौती। पटना मेट्रो के प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण का काम 2024 तक सरकार ने पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाली दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने अपनी कंसल्टेंसी फीस में 5% तक कटौती करने की सहमति जताई है। अब इसे नगर विकास विभाग में कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। गोपालगंज के फुलवरिया में जदयू ने पूरा किया चुनावी कार्य। स्थानीय प्रखंड के पंचायत चुनाव में जदयू ने अपना चुनावी कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें अब आने वाले 7 सितंबर को प्रखंड के मिश्र बतरहा बाजार स्थित बुनियादी मध्य विद्यालय में नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी व सभी सक्रिय सदस्य भाग लेंगे। पटना एम्स में अब पैकेज सिस्टम से इलाज। पटना एम्स में अब मरीजों को कम लागत में बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी कर ली गई है, जिसके तहत एम्स प्रशासन ने मरीजों के लिए सस्ते दवाइयों से लेकर अन्य चीजों के लिए भी पैकेज सिस्टम तैयार किया है। इसके लिए दवा कंपनियों से एग्रीमेंट भी करवाए गए हैं। राबड़ी देवी ने कहा, जितना मेरे पास है उतनी भाजपा के साथ पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी। राबड़ी देवी ने मंगलवार को ट्वीट कर भाजपा को बकवास मास्टर बताते हुए कहा कि उनसे पूछो कि उनके घर में कितनी गाय है। अभी मेरे घर में जितनी गाय है उतनी मिलाकर इनके 7 पुश्तों ने भी नहीं पाली होगी। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा रोजगार पैदा करने की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा देते। अब गूगल मैप को मुख्यमंत्री ने लगाया काम पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी सार्वजनिक तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कर उनका जीर्णोद्धार करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद सभी सार्वजनिक पोखरों और तालाबों के लिए मनरेगा के तहत कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। दक्षिण बिहार में सूखे की स्थिति। जलाशयों में पानी नहीं होने के कारण दक्षिण बिहार की स्थिति बदतर बनी हुई है। बड़ा हिस्सा आज भी सूखे की चपेट में है। नहरों तालाबों में पानी नहीं है और खेत सूखे पड़े हैं। सूबे में कई वर्षों से सामान्य से काफी कम बारिश हो रही है और नदियों में पानी नहीं होने के कारण जलाशयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। क्यों ना करे विचार बिहार जो है बीमार। राजद ने जदयू के नारे का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक बार फिर से पार्टी पर तंज कसा।
जिसके बीच में पोस्टर वार भी शुरू हो गई है, जिसमें चमकी बुखार, बाढ़ और सुखाड़ जैसे कई मामलों को दर्शाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले और भी कई कार्य। बिहार विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए अगले साल 6 मई को होने जा रही 27 सीटों के लिए आवेदन करना है। स्नातक मतदाता और प्रत्याशी होने के लिए 1 नवंबर से 3 साल पहले स्नातक पास होना जरूरी है, जिसके लिए आवेदन 6 नवंबर तक किए जाएंगे। दरभंगा में हुआ 3 दिनों का राष्ट्रीय ड्रैगन नाव दौड़ आयोजन। बिहार के दरभंगा जिले में हरित तालाब में राष्ट्रीय ड्रैगन नाव दौड़ का आयोजन हुआ। बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन साहनी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों से प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन का पहला लुक पोस्टर हुआ रिलीज। अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी बहुचर्चित अमेजन ओरिजिनल सीरीज द फैमिली मैन का पहला करेक्टर पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसे स्मार्टफोन की मदद से शूट किया गया है। 7 सितंबर को नीतीश कुमार रांची से चुनाव का शंखनाद। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में जान डालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को रांची आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का यह दौरा राजनीतिक गलियारों में अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव के नए बंगले पर अचानक पहुंचे तेज प्रताप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नए बंगले पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव अचानक पहुंच गए। काफी समय बाद दोनों भाई एक साथ मीटिंग में साथ साथ दिखे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सुशील मोदी के पहले वाले आवास एक पोलो रोड वाले नए सरकारी घर में गृह प्रवेश कर लिया है। तेजस्वी ने उसके साथ ही पार्टी की मीटिंग भी इसी घर में शुरू कर दी है। मंदी के बहाने पूरे देश में निराशा का माहौल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मंदी के बहाने पूरे देश में निराशा का माहौल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पिछले साल की तुलना में कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ के टर्न ओवर वालों को अब 3 महीने पर विवरणी दाखिल करने की सुविधा दी गई है। 1 से 7 सितंबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले के विषय में सभी जनता से अपील की है कि मजबूत राष्ट्र के लिए पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है, जिसके विषय में उन्होंने ट्विटर पर महिलाओं, नवजात शिशुओं और युवाओं के लिए पोषक आहार लेने का अनुरोध किया। टेस्ट मैचों में बेस्ट कप्तान बने कोहली। इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को 257 रनों से क्लीन बोल्ड कर भारत ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया है। सीरीज में क्लीन बोल्ड के साथ ही विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गए हैं। 900 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके मिला अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रभात नाम का एक युवक द्वारका से 18 दिन में पूरी की 900 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके उनसे मिलने पहुंचा है। अगर यही जुनून आपके लक्ष्य के प्रति रखें तो कोई नहीं रोक सकता उन्हें। अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। औरंगाबाद में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश होगी। वहीं भागलपुर, छपरा, फारबिसगंज, गया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, राजगीर और सुपौल में गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।